हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और सुबह का जो है दोस्तों, सारा ही काम जो है हो चुका है, साफ सफाई भी मैंने कर दी है। और अब जो है दिन के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ मटर पनीर और चावल। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों और देखते रहिएगा मैं किस प्रकार जो है सब्जी बना रही हूँ और किस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा छोटा सा घर है दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में ही शेयर करती हूँ। और वो मेरे साई जी है वहां पर, देखिए दोस्तों साई जी है यहाँ पर रखे हुए मेरे, ये देखिए। और जो है माया जो है मेरे साथ में ही घूम रही है नीचे नीचे, जहां मैं जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे ही हमेशा आती है। जहां पे मैं रहती हूँ तो वहीं पर ही वो हमेशा रहती है मेरे साथ में। तो काम जो है लगभग लगभग सारा ही हो चुका है। और आज मेरी गुड़िया रानी भी गई हुई है दिल्ली घूमने के लिए। आज संडे था तो सोचा कि मम्मा थोड़ा घूम लेती हूँ। मैंने कहा जाइए, आप घूमिए, इंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो वो आज घूमने गई है और मैं जो है दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है। तो दोस्तों ये देखिए, और अभी जो है घर मेरा कुछ इस तरीके से है। और ये जो मेरा घर है ये टॉप फ्लोर में है, तो धूप बहुत ज्यादा आती है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है ना, ये वाली विंडो, इस वाली विंडो से बहुत धूप आती है। तो देखिए मैंने अभी कर्टन लगा दिया है यहाँ पे, और इस तरीके से कर्टन लगाने से थोड़ी धूप जो है कम आती है, वरना बहुत तेज धूप आती है। कि ये जो रूम है ये बिल्कुल जो है धूप से, जो सुबह ही धूप आ जाती है यहाँ पर। तो अभी काम सारा हो चुका है। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में ही शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए यहाँ माया बैठी हुई है, अभी टेरेस पर गई थी। इतनी धूप है, इतना तेज धूप है, फिर भी इनको जो है छत में धूप में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह होकर आ चुकी हैं, अभी दोबारा गई थी, अभी आई हैं। इनके बाल भी थोड़े कट रहे हैं धीरे धीरे, तो बहुत ही दुबली पतली हैं ये। और दूध सुबह का पी चुकी हैं, अब दोपहर का जो है खाना खाएंगी, चिकन और रोटी। जैसे मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ कि इनको दोपहर में हम रोटी देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रोटी खाती नहीं है, तो इसलिए इनको जो है हम थोड़ा सा चिकन में मैश करके दे देते हैं रोटी। और ये मेरा रूम, यहाँ पर भी साफ सफाई हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पर ये, यहाँ पर भी बहुत तेज धूप आती है दोस्तों, बिल्कुल बर्दाश्त से ही बाहर है यहाँ की धूप, इतनी तेज धूप आती है। और वो देखिए, यहाँ पर मेरे जो है प्लांटर रखे हुए हैं वेस्ट मटेरियल वाले। और यहाँ पर ये देखिए, ये वाला रूम है, ये भी मैंने सब क्लीन कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पर क्लीन कर दिया है। ये माया की टोकरी है दोस्तों, ये देखिए, ये छोटी सी टोकरी जो आप देख रहे हैं ये माया की टोकरी है। इसमें सारा सामान जो है माया का रहता है। ये देखिए, ये इनका खाना, ये इनका पट्टा, ये इनके कपड़े, ये देखिए, ये इस तरीके से इनका जो है ये बैग हमने बना दिया है दोस्तों। नहीं तो इधर उधर फैलता है घर में। तो इस तरीके से जो भी इनका सामान है वो सब कुछ इसमें हम रख देते हैं। ये इनका खाना ये खाते हैं, ये पेडिग्री, ये देखिए ये वाला खाना, ये देखिए ये खाते हैं। तो ये इसमें रख देते हैं, इनका तौलिया सब कुछ इसमें रहता है इनका। और इनके खिलौने भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए इनके खिलौने, ये देखिए नीचे भी इनका सामान है। ये देखिए, ये इसका एक खिलौना ये है, ये इनके लिए हमने बॉल रखी हुई है, ये इनका नाखून वाला कटर है, और ये इनके लिए ब्रश भी रखा हुआ है। ये देखिए मायू, ये क्या है बाबू, ये किसका है? और मंदिर में पूजा भी कर ली है दोस्तों हमने। बहुत छोटा सा कमरा है, यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई है, यहाँ पे कूलर है, ये स्टडी टेबल रखा हुआ है दोस्तों, अभी दीपावली में ही लिया था। तो यहाँ पर जो है कुड़िया रानी अपनी स्टडी कर लेती है, ये एक अलमारी है यहाँ पर। और ये मायू का हमारा टॉय है, मायू सुनना, इनको हम कई नामों से बुलाते हैं। ये लो, ये किसका है? ये दिखाओ बाबू, ये लो, ये देखिए मायू, कहाँ है आपका, आपका टॉय कहाँ गया? ये इनको गाड़ी की किसी की आवाज सुनाई दे रही है, देखिए बहुत शार्प है ये। माऊ माऊ मायू मायू, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? आजो आजे 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 आजा 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 ऊपर आजा, आजा इधर आजा, आजा ऊपर आजा। हाँ वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। ओ मम्मा का गुड्डू, मम्मा का गुड्डा बेटा है ये तो, ये देखो मम्मा का गुड्डू है। बहुत प्यार मांगते हैं दोस्तों हमारे से ये, और हमें प्यार देते भी हैं, और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। घर के जितने भी लोग हैं सभी बहुत प्यार करते हैं, और ये इनके पापा जी इनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अधिक इनको प्यार करते हैं। ये सबसे छोटा बच्चा है मेरे घर का, और एकदम रहता भी छोटे बच्चे की तरह ही है, बहुत प्यारा है हमारा मायू। माऊ आप प्यारे हो ना, आप प्यारे हो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमने रसोई की ओर। रसोई में भी कुछ काम ही हो रहा था दोपहर का, जैसे मैंने बताया लंच की तैयारी हो रही है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, मैंने प्याज जो है भुनने के लिए रखा हुआ था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें मैंने डाला जीरा, इसमें मैंने डाला लहसुन 2 से 3 कलियां, 2 हरी मिर्च, 4 से 5 मैंने मोटा मोटा प्याज काट के डाला है, इतनी सी लहसुन, सॉरी इतना सा मैंने अदरक। अब इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। इस तरीके से आप मटर पनीर बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही खाने में स्वाद लगती है। तो इस तरीके से प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, और चावल भी मैंने भिगा दिए हैं। तो ये देखिए, ये चावल जो है मैंने यहाँ पर भिगा दिया है, ये देखिए चावल भीग चुका है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हम धीमी आंच में भून लेते हैं, और टमाटर भी इसी में ही मैं भूनूंगी। तो थोड़ी देर में हम जो है इसमें टमाटर भी डाल देंगे, उसको भी हम इसमें भून लेंगे।
हरे धनिया की चटनी बना रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया, एक डाली है हरी मिर्च, एक दो कलियां डाली हैं लहसुन की, और ये एक चम्मच के करीबन मैंने इसमें डाला है दही। दही से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये अपने टेरेस के हैं टमाटर, तो ये भी मैं इसमें डालूंगी। और स्वाद के लिए मैं ये डालूंगी मूंगफली। मूंगफली से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छी आता है, बहुत यम बनती है चटनी। तो ये देख लीजिए कितनी 4 से 5 चम्मच जो है ये मूंगफली के दाने हैं, तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें हम डाल देते हैं नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। तो मैं एक चम्मच के करीबन इसमें नमक डाल रही हूँ, और ये सारे ही टमाटर मैं इसमें डाल देती हूँ। चटनी बनकर तैयार है, देखिए कितनी टेस्टी सब्जी चटनी हमारी बनकर तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी। दोपहर की थाली बनकर तैयार है दोस्तों। चावल है, चटनी है, प्याज है, मिर्ची का अचार है, और ये मटर पनीर की यमी सी सब्जी है। आइए दोस्तों, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ लंच।